हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सातवां चरण और बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में सातवां चरण पर चर्चा करने से पहले एक बहाली के संदर्भ में आपको अपडेट दे देना चाहते हैं। ये बहाली है आपके राजस्व विभाग में, टोटल पद है 9746 और इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है और आवेदन आप कर सकते हैं 16 नवम्बर तक। याद रखिएगा डेट 16 नवम्बर तक। किस किस पदों पर होगा तो इसे जूम कर लेते हैं, आराम से देखिए और इसे पढ़िए। यहाँ पर आपको दिया गया है सर्वेक्षण कानूनगों का है, अमीन का है, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों का है। टोटल जो पद है 9746 है और इसमें अमीन वगैरह का जो होता है वो कोर्स वगैरह होने के बाद इसमें किया जाता है। बहुत सारे अभ्यर्थी किए भी होंगे और इसके लिए मांगा गया है। इसमें टोटल जो सबसे ज़्यादा है वो विशेष सर्वेक्षण अमीन के 8244 पद हैं, 44 पद इनका है। संविदा आधारित है लेकिन, और इसमें देखा जाए किस वेबसाइट पे आवेदन किया जा सकता है, वेबसाइट है आपका ये https://statebihar.gov.in/lrc। इस साइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं और इसका जो मतलब फाइनल बनेगा वो मेधा सूची के आधार पर ही इनका चयन किया जाएगा। मेधा सूची बनेगा उसी पे इनका चयन किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो एज क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष रखा गया है, अधिकतम आयु सामान्य के लिए 37 वर्ष, पिछड़े वर्ग के लिए 40 वर्ष, ST/SC वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष रखा गया है। इसमें लिपिक के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष रखा गया है। लिपिक का भी बहाली है, 21 वर्ष का है। क्या क्राइटेरिया होगा, कोई ये इंटरेस्टेड होंगे तो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, नहीं तो इस साइट पे जाके आप पूरा क्राइटेरिया वगैरह देख सकते हैं। फिलहाल ये अपडेट देना था। अब चर्चा कर लेते हैं सातवें चरण के बारे में कि क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या बहाली होगा, क्या कुछ होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़पेपर। इसके साथ ही आपको न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में बता दें कि ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है और आज का है, फ्रंट पेज है और आज जो डेट है 22/10/2022 का है। अब हम आज न्यूज़पेपर पे चलेंगे, उसमें भी कुछ बहाली वगैरह के बारे में दिया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, सातवां चरण के बारे में चर्चा करेंगे, क्या कुछ हो सकता है, वो भी डेट यही है यानी 22/10/2022 आज का। चलिए उस पर चलते हैं। यहाँ हम दो न्यूज़ को इंक्लूड करेंगे, पहला ये इस न्यूज़ पे कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे, दूसरा आपका जो न्यूज़ है ये है, दोनों न्यूज़ का कंक्लूजन जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा अपडेट आपको बता दें, अगर बातचीत होता है कि कब आपका सातवां चरण आएगा तो जवाब अब मिल रहा है, अब जो बातचीत हो रहा है कि निमाली वगैरह के बाद, यानी निमाली तो पहले फाइनल हो जाने दीजिए। अगर बात निमाली की चर्चा की जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि लगभग निमाली फाइनल है, लेकिन देखिए कब तक मिलता है, यानी कुछ समय लगेगा और आपको निमाली निश्चित रूप से मिल जाएगा और निमाली के बाद ही बहाली के बारे में कुछ भी बताया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी पहले निमाली फाइनल हो जाए उसके बाद ही आपको अपडेट मिलेगा। अब यहाँ पे जो न्यूज है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले को जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने तो कहा है, लेकिन न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज़पेपर में देखिएगा तो अच्छे तरीके से शिक्षा विभाग को दर्शाया नहीं गया, लेकिन एक शब्द उन्होंने बोला था। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इन्हें निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी रोड पे हैं, इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उस चीज़ को दूर करना, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिक्षा जो होता है वो कल के भविष्य से जुड़ा होता है। अब इस चीज़ को मतलब उप मुख्यमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए और जल्द से जल्द बहाल निकलना चाहिए। तो ये हो गया पहला कंक्लूजन जो होना चाहिए। अब दूसरा कंक्लूजन की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी बहाली की चर्चा होता था ना, तो केंद्र का एक न्यूज आपका छपता था। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूज आ रहा है, अब इस न्यूज में देखिएगा समग्र शिक्षा अभियान को 30.92 अरब विमुक्त। अब यहाँ पे दूसरा जो न्यूज है इसमें देखिएगा तो केंद्र ने दिए पहली किस्त के 18 यानी 18.55 अरब कमा 12.37 अरब राजांश की राशि। तो लाखों शिक्षकों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ, ये जरूरी था। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? पहला चीज तो आपका जो भी पैसा होता है वो जरूरी होता है, को केंद्र ने दिए पहली किस्त के ये सारे, और लाखों शिक्षकों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो चुका है। जब ये क्लियर हो जाएगा कि जाहिर सी बात अब बहाली की भी चर्चा शुरू हो सकती है। एक और चीज आपको दिखाते हैं, यहां पे बिहार की निकल कर रहा केंद्र सरकार, निश्चित रूप से इस बात को हम मानते हैं। कैसे?
तो जैसे में उप मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमेशा अब रोजगार की चर्चा कर रहे हैं, अब इसको आपको पॉजिटिव लेना है, ऐसा नहीं कि निगेटिव ये कर रहा है, उल्टा सीधा आप कमेंट भी करते हैं, लेकिन अब ये नहीं करना। अब इसी पे होता है ना कि लोहा गर्म को हथौड़ा मार देना चाहिए, एक वही चीज अभी चल रहा है। अब देखिए सबको ही एक तो पेंशन का चर्चा चलना शुरू हो गया, पहला चीज। दूसरा जो क्योंकि बहुत जगह पेंशन वगैरह शुरू हो रहा है, ये अच्छा चीज है क्योंकि जो भी शिक्षक बनेंगे उनके लिए बहुत लाभकारी होगी। दूसरा चीज कि जो बिहार कर रहा है, बिहार में क्या हो रहा है कि सभी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और इनके द्वारा दिया जा रहा है। अब इस चीज को केंद्र भी देख रहा है। अब केंद्र सरकार ने यानी जो प्रधानमंत्री जी हैं जो ये कह रहे हैं उनके हिसाब से बताया, प्रधानमंत्री जो हैं 75,000 जो बहाली वगैरह हो रहा था उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा उनके द्वारा। तो ये अच्छा चीज है क्योंकि अब रोजगार पे अब फाइट होना शुरू हो गया और ये बहुत जरूरी था। अब केंद्र तो कर ही रहा है और बिहार की नकल कर रहा है केंद्र सरकार, ये कहना है उपमुख्यमंत्री जी का भी ऐसा हो भी रहा है। अब बिहार सरकार को लगेगा कि हम जो करेंगे वो उधर से फॉलो होगा और ये प्लस पॉइंट हो जाएगा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अगर शिक्षा विभाग में बहाली होना है तो निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री जी मतलब ये सारे आदेश कर देते हैं कि निश्चित रूप से आपका स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि अब केवल और केवल रोजगार ही मुद्दा बनता हुआ दिखता है और मुद्दा बनेगा भी। और बिहार में अब चुनाव भी जानते हैं कि 2-3 साल में आ ही जाएगा, 2000 आपका जो है 23 के बाद 24 है, को 24 में है, 25 में है, को दोनों महत्वपूर्ण आपका साल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले लगभग सभी विभागों में आपको बहाली देखने को मिलेगा, लगभग सभी विभागों में। को तैयार रहिए, डॉक्यूमेंट भी तैयार रखिए और थोड़ा सा दबाव भी निश्चित रूप से बनाइए, एकजुट होके दबाव बनाइए, आपको निश्चित रूप से बहाली देखने को मिलेगा। एक तो आपका वेतन से संबंधित जो दिक्कत था वो दूर हो गया, वो चीज़ मिल गया, वो चीज़ जरूरी था क्योंकि इधर उधर का काट कर वेतन वगैरह का कार्य चल रहा था। आपने देखा भी होगा जब भी बहाली का चर्चा होता था बगल में केंद्र वाला छपा हुआ था, ये पहले के वीडियो में भी हमने दिखाया है। तो अब जरूरी हो गया है कि वो चीज़ क्लियर हो गया तो बहाली का रास्ता भी साफ हो। रास्ता साफ करने के लिए सबसे जरूरी है जो आपका नियमावली है, वो नियमावली के लिए आप लोग मिल सकते हैं, जा सकते हैं, तो आप बना सकते हैं, जो भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है नियमावली 2022 बाहर होना, क्योंकि बहुत दिनों से ये फंसा हुआ, पता नहीं कौन सा जिन उसमें लगा हुए हैं कि क्या है कि इतना मतलब परिश्रम करना पड़ रहा है, नहीं बाहर आ रहा है। लेकिन अब सारा चीज रास्ता साफ हो गया, रोजगार मुद्दा बनते हुए जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होना चाहिए, इसके लिए नियमावली जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि अब निश्चित रूप से आपको सारा चीज पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये केंद्र वाला मामला ठीक लगा मुझे। दूसरा बिहार सरकार जो कर रहा केंद्र ठीक वैसा ही अपनाते जा रहा है, कि बिहार सरकार चाहेगा कि हम और बेहतर करें ताकि वो डिमोरलाइज हो, यानी वो उसको फॉलो करें फिर हम उनके ऊपर कुछ कहें, तो ये चीज़ देखने को देखना दिखाने के लिए करेंगे। कुछ जाहिर सी बात है कि जो 10 लाख है 10 लाख तो नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षा विभाग में कुछ देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग में भी आप यहाँ पे देखेंगे 1.5 लाख कहा जा रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ और इतना नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं 11,000 पदों पे नई बहाली, यानी इतना बहाली होगा, 1.5 लाख कहा जा रहा है लेकिन 11,000 पदों पे स्वास्थ्य समिति में होगी बहाली, 11,000 पदों पे टोटल 1.5 लाख होगा। तो ये चीज़ आपको बहाली देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता था कि इधर देखने को मिलेगा, लेकिन जो अभी स्टार्टिंग में हमने देखा दिखाया था भूमि वाला अमीन वगैरह का जो बहाली था तो वो आ गया, तो ये भी आ सकता है क्योंकि अब बहाली स्टार्ट होगा। ये लंबा तो चलेगा, यानी प्रोसेस जो होगा तुरंत कंप्लीट नहीं होगा, लंबा चलेगा लेकिन जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको तत्पर रहना होगा, एकजुट होना होगा और जो भी आपके अंदर है ईगो है वो सारी चीज़ बाहर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, आप बाद में कर लीजिएगा। और आपको बताते चलूँ कि इधर आप लोग ऐसे ही करते रहिएगा, कुछ सीटेट तो आपका दिसंबर में निश्चित रूप से होगा और उसकी तैयारी भी चलेगा, सारे लोग तैयारी भी करेंगे, को आप देख लीजिए आपको खुद क्या कुछ करना है, क्योंकि इस समय जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन इस समय डे चल रहा है, क्योंकि एक तो वेतन वाला काम हो गया, दूसरा जो बिहार सरकार कर रहा उसको फॉलो केंद्र भी कर रहा है, क्योंकि रोजगार ही अब मुद्दा निश्चित रूप से आगे चल के रोजगार ही मुद्दा सब जगह का बन जाएगा, पेंशन वगैरह भी बन जाएगा। पेंशन वगैरह क्यों बनेगा, क्योंकि जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पे, अब ये कहना थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, लेकिन देखिए अब आप खुद देख लीजिए कि कहां पेंशन मिल रहा कहां पेंशन आपको नहीं मिल रहा।
तो जाहिर सी बात है ये भी मुद्दा निश्चित रूप से गर्म होगा, ये सारी चीज़ होगा और उस पर निश्चित रूप से अमल भी होगा और हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को आगे के समय में मिले और वो सारे न्यूज आपके पॉजिटिव होंगे शिक्षा विभाग के लिए और आपके लिए भी। लेकिन उससे पहले आपको शिक्षक निश्चित रूप से बन जाना है, अगर आप शिक्षक नहीं है तो। इसके लिए एकजुट होकर सारे घमंड वगैरह को तोड़ के एकजुट होकर कार्य कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।